दोस्तों, आज अगर मैं आपसे पूछेंगे किसी भी देश को मजबूत या कमजोर किस आधार पर बोला या समझा जाता है, तो आपका क्या जवाब होगा? शायद हमारी तरह आप भी उस देश की सेना के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि आज इस मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी में भी कुछ देश ऐसे हैं जिनकी सेना इतनी कमजोर है कि आप उनकी सेना की गिनती अपनी उंगलियों पर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, इन देशों की सेना इतनी कमजोर है कि इन्हें हराने के लिए आपको किसी स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं। और तो और, ये अपने देश के लोगों को सुरक्षा देने में भी असमर्थ है। अब आप इन्हीं कुछ बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन देशों की सेनाएं कितनी ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन दोस्तों, ये आधा अधूरा सच है। अगर आप भी इसका सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे देश की आर्मी फोर्सेस लेकर आए हैं जिन्हें दुनिया का वर्स्ट या कहें वीकेस्ट आर्मी के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है वर्ल्ड वीकेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। नंबर 10, मंगोलिया। दोस्तों, मंगोलिया ईस्ट और सेंट्रल एशिया से घिरा एक देश है। मंगोलिया को लेकर ऐसा माना जाता है कि ये चीन और रशिया के बीच अच्छा खासा फंस गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जिस भी दिन किसी भी वजह से चीन या रशिया के बीच कलेश हुआ, मंगोलिया चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हथियार के तौर पर इनके पास ज्यादा कुछ नहीं है। हैरान मत होइए, हम सच बता रहे हैं। इनके पास एक बैटल टैंक है, 310 मिलिट्री कार है, 120 स्काउट कार है, युद्ध के वक्त हथियार धोने वाली लगभग 200 कार, 130 रॉकेट लॉन्चर और 140 मोर्टार, और तो और 200 एंटी टैंक गन है। बात अगर सैनिकों की गिनती की जाए तो इनके पास मात्र 35,000 सुरक्षा बल है, जबकि मंगोलिया ने सेना के लिए 1,35,000 सैनिकों को रिजर्व रखा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों सेना के बजट पर। बजट के बारे में हम आपको आगे बताएं, उससे पहले आप हमें ये बताएं कि हमारे भारत में सेना के लिए कितना बजट रखा गया है, कमेंट बॉक्स में आके बताएं। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2019 में मंगोलिया में सेना का बजट $210 मिलियन था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मंगोलिया के जीडीपी का करीब 1.5% है। ऐसे में आप खुद सोचिए, जब रशिया और चीन का कोई अच्छा खासा झगड़ा होगा तो इसका क्या होगा? ऐसी कंडीशन में मंगोलिया को ना चाहते हुए भी किसी एक देश का साथ देना होगा, और अगर वो किसी का साथ नहीं देगा तो उससे किसी और देश की मदद लेनी पड़ेगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें। नंबर 7, सोमालिया। वैसे सच बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस देश का नाम पहले कभी सुना है? कमेंट में बताना ना भूलें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की आबादी मात्र 12 लाख है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये देश अफ्रीका के मेनलैंड पर स्थित है। इस देश की सेना में मात्र 12,000 सैनिक मौजूद है। इन सैनिकों के बाद इस देश ने 24,000 सैनिकों को रिजर्व मोड में रखा हुआ है। बात अगर टैंक वगैरह की करें तो सोमालिया के पास 140 बैटल टैंक हैं, और तो और 430 मिलिट्री कार्स हैं। दोस्तों, 2012 के बाद यहाँ एयरफोर्स के बारे में कोई जानता ही नहीं था। आपको पैर तलो जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि 142 देशों में सोमालिया 139वें रैंक पर है। अब आप इस रैंक से इसकी स्थिति का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। यहाँ का डिफेंस बजट मात्र $60 मिलियन है। दोस्तों, इस देश के आर्मी की इतनी बुरी हालत है कि यूएई ने इसके डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए $1 लाख की मदद की थी। हैरान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आगे लास्ट में हमने आपके लिए एक ऐसा देश रखा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। नंबर 6, तजाकिस्तान। इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, और इसे लिस्ट में देखकर शौक तो जरूर लगा होगा। आपको पता ही होगा कि ये तजाकिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद साल 1991 में तजाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बना। आजादी मिलने के बाद इसने करीब 3 साल बाद यानी कि 1994 में अपनी आर्मी तैयार की, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक ये वर्ल्ड वीकेस्ट आर्मी की लिस्ट में ही शुमार है। तजाकिस्तान की सेना में सिर्फ और सिर्फ 9,000 सैनिक हैं, और इस देश के पास 19 मिलिट्री हेलीकॉप्टर, 2 हेलीकॉप्टर, 60 ट्रेनर और मात्र 2 मिलिट्री कार्स हैं। इन सब के अलावा इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 जी है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, इनके पास सिर्फ एक T-72 बैटल टैंक है। तजाकिस्तान के डिफेंस बजट की बात करें तो ये $79 मिलियन है। अब वो बात अलग है कि सेना की संख्या के हिसाब से इनका रक्षा बजट इसके अनुकूल है, पर फिर भी इसकी गिनती दुनिया की वीकेस्ट आर्मी में होती है। खुद सोचिए, जिसकी आर्मी इतनी कम है वो कैसे अपने देश के नागरिकों की रक्षा कर पाएंगे? इसी वजह से इन्हें कई बार दूसरे देश से मदद लेनी पड़ती है। क्या आपको ये पता था कि तजाकिस्तान वीकेस्ट आर्मी लिस्ट में शामिल है? कमेंट करके बताइएगा। नंबर 5, बहामास। दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटा सा देश है। इस देश की सेना को रॉयल बहामास डिफेंस फोर्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे RBDF के नाम से जाना जाता है। शायद आपको जानकर शौक लगे, क्योंकि इस देश के पास ना तो एयरफोर्स है ना ही आर्मी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेवी की सेना है जो देश की रक्षा करती है।
इनके RBDF में मात्र 1600 सुरक्षा बल हैं और 2014 में इनका रक्षा बजट सिर्फ $49 मिलियन था। सच बताएं तो अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बहामाज ने 2014 में रक्षा बजट के अलावा $232 मिलियन इन पर इन्वेस्ट किया। बावजूद इसके बहामाज की सेना शक्ति बढ़ा नहीं पाई। नंबर 4, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। दोस्तों ये देश अफ्रीका के सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर क्या कुछ नहीं है भाई, जैसे कि हीरे, सोने, तेल और तो और यूरेनियम से भरे होने के बाद भी ये देश सबसे ज्यादा गरीब है। जानना चाहते हैं क्यों? देखिए दोस्तों, वो तो आपको बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, राइट। दरअसल सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 1960 तक फ्रांस के अधीन रहा। खैर अब तो इसे आजाद हुए लगभग 55 साल हो गए, बावजूद उसके ये देश कभी स्टेबल नहीं रह पाया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जमीन में जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वही इस देश के पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, करप्शन और इंटरनल लड़ाई ने इसे आज तक स्थिर नहीं बनने दिया। इन सब के बाद एक और ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये लोग कमजोर से कमजोर रह गए, और वो थी श्रीलंका की मिलिट्री फोर्स। क्योंकि साल 2012 से 2014 तक चले सिविल वॉर के बाद श्रीलंका की मिलिट्री फोर्स ने इनके हथियारों पर अच्छा खासा कब्जा कर लिया था, फिर उनसे मारपीट करके छीन ली गए। सेना के मामले में 142 में से ये देश 134वें रैंक पर है। दोस्तों इस देश के पास तो हजार सैनिक भी नहीं, जी हां चौकी मत, इस देश के पास मात्र 825 सुरक्षा बल हैं। इनके पास पैसे स्किल की कमी तो है ही, पर साथ ही इनके देश में भ्रष्टाचार एक अलग ही लेवल पर है। इस देश की आबादी 4.7 मिलियन, खुद सोचिए मिलियन की आबादी वाले देश में मात्र 40 मिलिट्री टैंक है। एयरफोर्स में 2 हेलीकॉप्टर और सिर्फ 6 लड़ाकू विमान है। बात अगर बजट की करें तो इनका बजट $18 मिलियन है। नंबर 3, गैम्बिया। दोस्तों भले ही आपने इसका नाम पहली बार सुना हो, लेकिन ये वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैम्बिया अपनी नदी के बदलते एसओ सिस्टम की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। गैम्बिया की नेशनल आर्मी दुनिया की वर्ल्ड वीकेस्ट आर्मी है। इनके सुरक्षा बलों की संख्या मात्र 1900 है। बता दें इनके सैनिकों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले इंजीनियरिंग बटालियन और दूसरा है प्रेसिडेंशियल गार्ड कंपनी। बता दें ये साल 2002 में गैम्बिया ने सुखोई एरोप्लेन खरीदा था, और तब लगा कि शायद गैम्बिया की हालत सुधर जाए, पर कहीं ना कहीं आज ये अपनी मजबूती बना पाने में नाकामयाब रहा है। गैम्बिया का सेना बजट सिर्फ और सिर्फ $12 मिलियन है। नंबर 2, बारबाडोस। दोस्तों एक छोटा सा आइलैंड वाला देश है, और तो और इस आइलैंड वाले देश की जनसंख्या मात्र 3 लाख है। इस देश ने अपनी सेना को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मुश्किल से इनके सुरक्षा बलों की संख्या 1000 होगी। इस देश के पास सिर्फ और सिर्फ 1 लड़ाकू विमान है। रही इनके बजट की बात तो फिलहाल वो क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चीन ने इनके बजट में $49 मिलियन की मदद की थी। बावजूद इसके ये अपनी स्थिति सुधारने में समर्थ रहे हैं। नंबर 1, लग्जमबर्ग। वेस्टर्न यूरोप में बसा ये छोटा सा देश है। अब ये कितना छोटा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी सीमा 1000 वर्ग मील लैंड से भी कम है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस देश के आर्मी मात्र 400 सुरक्षा बल है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 400 सैनिक है। इन 400 में से 100 तो खुद सिविलियन है, क्योंकि इस देश की आर्मी सिविलियन के कंट्रोल में रहती है। लग्जमबर्ग ने अपनी फोर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनके पास 17 फाइटर प्लेन है। इनका डिफेंस बजट $359 मिलियन है। सही समझ रहे हैं आप, ये इस छोटी सी सेना के लिए बहुत ज्यादा है, पर इतना बजट होने के बावजूद भी ये वीकेस्ट आर्मी फोर्स की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये थी दुनिया के सबसे वीकेस्ट आर्मी फोर्स, जिनको कब्जे में करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।